Hello friends, I'm Chanchal and today we discuss organization effectiveness. Before starting organization effectiveness, I must tell you about my profile of Unacademy. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने ये वाला साइट है, ये लैपटॉप पे व्यू है, आपको यहाँ पे जाके फॉलो करना है. और जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, मेरी जितनी भी मैंने HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे वीडियो बनाई है वो सारी आपको दिख जाएंगी. ये मोबाइल व्यू है, ये यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट है, मतलब HRM के रिगार्डिंग है, जितनी भी प्लेलिस्ट है, जितने भी कोर्स, ये एक पर्टिकुलर कोर्स है, इसके अंदर जितने वीडियोस हैं वो आप इजीली देख सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस. इट इज़ द कॉन्सेप्ट टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले ये है कि प्री डिटरमाइंड, सब पहले से जो हमने डिटरमाइन किए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, उनको अचीव करना विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, और हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उनका, इन शॉर्ट हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें. That is organization effectiveness. It can be defined as the efficiency with which an association is able to meet its objective. मतलब हम सब means को, mean मतलब कि mean resources को इस तरीके से arrange करें, इस तरीके से utilize करें, ताकि हम अपने objective को get कर सकें. The main measure of organization effectiveness for a business which generally be expressed in term of how well it net profitability in compare of target profitability. मतलब कि आपने जो target profit लिया था उसके according आपका net profit क्या है, इन दोनों को compare करना एक तरीके से हम organization effectiveness का part मानते हैं. ये complete organization effectiveness नहीं है, इसको माना गया है कि एक तरीके से measure है इसका. और organization effectiveness मतलब effectively हर एक चीज़ को manage करना. Now come to the approaches. पहले हम approaches discuss करते हैं, फिर हमारे जो 6 steps हैं वो discuss करेंगे. Approaches में सबसे पहले system resource approach. System resource approach मतलब ये inputs पे ध्यान देता है, जो आपने resources use करने हैं उन पे ध्यान देता है कि आपको कौन कौन से resources use करने हैं, system कौन कौन से resources आपके लिए important है, उन resources का ध्यान रखना. जैसे कि मैन, मशीन, मटेरियल, ये चीज़ें, इनका बेसिकली ध्यान रखना कि आपके पास फुल्ली हो, जितना आपको ज़रूरत हो. नेक्स्ट आता है आपका गोल अप्रोच. गोल अप्रोच क्या है, इसमें हम मेन जो टारगेट होता है हमारा होता है, हम गोल को अचीव करना, हम जो एंड है उसको देखते हैं कि हमने अपना गोल अचीव किया है या नहीं किया है, ना कि मींस को, किस तरीके से हमने उसको अचीव किया है. हमारा मेन टारगेट बस एक ही है कि हमारा गोल अचीव हो जाए. जैसे कि हम क्वालिटी, हमारा गोल है कि क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है. जैसे हम प्रॉफिट का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा प्रॉफिट हमने डिसाइड किया था 10% से इंक्रीज होगा, राइट? वो 10% से इंक्रीज हुआ, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन के कारण इंक्रीज हुआ है, हमने प्राइस राइज कर दिए इसलिए इंक्रीज हुआ है, तो वो चीज़ें हम इस गोल अप्रोच में नहीं ध्यान देते हैं. नेक्स्ट आता है फंक्शनल. फंक्शनल मतलब कितना फंक्शन क्या है, मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, उसके फंक्शन इंटरनली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसको देखते हुए. हम यहाँ पे एक गोल को नहीं लेते, हम बहुत से गोल को इकट्ठा करते हैं. इसकी बेसिक अजम्पशन है कि हम एक गोल के ऊपर फोकस नहीं करते, और कहते हैं कि कोई भी बेस्ट क्राइटेरिया नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को गेस करने का. मतलब हर एक तरीके से हम इस ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को जज कर सकते हैं. और फंक्शनल अप्रोच मतलब कि फंक्शन को हम कैसे कर रहे हैं, मतलब हर एक स्टेप को कैसे कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिस्टम रिसोर्स अप्रोच में क्वालिटी का. क्वालिटी हमने इनपुट, क्वालिटी के लिए हमने रॉ मटेरियल खरीद के रख दिया बेस्टेस्ट क्वालिटी का, मशीनरी बेस्टेस्ट है, सब चीज़ें बेस्ट है, बट वो कैसे प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस में तो कोई कमी नहीं है. वो चीज़ हमारा फंक्शनल अप्रोच में हम देखते हैं कि हमें फंक्शन पे ध्यान देना, इसका मेन टारगेट होता है फंक्शन पे ध्यान देना कि फंक्शन कैसे कर रहे हैं. और नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेटेजिक कॉन्टीजेंसी अप्रोच.
इसमें क्या होता है, हमारा मेन टारगेट होता है हम कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करें। जो हम ऐसे अपने जो एटमोसफियर है, करंट एटमोसफियर को ऐसे डिज़ाइन करें कि कस्टमर की डिमांड फुलफिल हो। कस्टमर जैसा प्रोडक्ट चाहता है, कस्टमर को क्या चाहिए, उस चीज़ को देखते हुए हम अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजमेंट करें। तो इस अप्रोच में हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। हर एक अप्रोच एक कुछ ना कुछ मेन चीज़ को बताते हैं। नाउ कम टू द लास्ट 6 स्टेप्स। स्टेप्स क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस की। सबसे पहले है लीडरशिप, मतलब हमें एक लीडर चाहिए। हमें यहाँ पे हम सेट करते हैं हमारे गोल्स क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं हमारे उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली बनाना है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाना है तो उसको कैसे बनाना है, कैसे हम उस चीज़ को मॉडिफाई करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना कस्टमर्स को बताना, सॉरी जो हर एक बंदा है कंपनी में उसको बताना, कम्युनिकेट करना हमारे रोल्स क्या है, हमारे गोल्स क्या है, हमारी मेन टारगेट क्या है, वो चीज़ें बताना। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन है उस एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। हम क्या करते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबल बना देते हैं, जैसे कि मतलब हम डिवाइड कर देते हैं पोजीशंस को, जो पोजीशन हमने बनाई हुई है वह उसको पावर दे देते हैं। डिलीवरी मतलब कि बेस्टेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करना, हमारा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस या ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को चेक करना है तो हमारे लिए कस्टमर हमेशा प्रेफरेबल होगा, तो यहाँ पे हम कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हम ये कह हमारा ये मानना है कि जो बंदा है वहाँ पे बैठा है, जैसे मैनेजर की पोस्ट पे बैठा है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हर कोई बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ परफॉर्मेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट, मतलब मेज़र करना, चीज़ों को देखना क्या चीज़ सही से हो रही है, जैसा हमने प्लान किया था, जैसा हमने लीडरशिप में ऑब्जेक्टिव बनाए थे उस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ हम किस में देखते हैं, मेजरमेंट में। हमारा जो सेट गोल है और जो हमने अचीव किया है उसके बीच कोई गैप तो नहीं है, ये चीज़ हम किस में देखते हैं, मेजरमेंट में। हेयर आई कंप्लीट माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।